तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है चैलेंज पे। तो गाइस, आफ्टर OP31 अपडेट हमारा स्नाइपर यूजर का पूरा बैन बच चुका है, क्योंकि बहुत सारा पीसी प्लेयर है जो लोग स्नाइपर पे मैक्रो यूज करता था, और अभी स्नाइपर का मूवमेंट इतना स्लो कर दिया है कि फायर नहीं हो रहा और बार बार गन चेंज हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कर रहा है। तो पिछले मैंने वीडियो छोड़ा वो क्यों हो रहा है, तो इसमें भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए कितना स्लो चेंज कर रहा है स्नाइपर। देखिए, चाहे आप कोई सा भी स्नाइपर ले लो, इधर से मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका जो है बहुत स्लो कर दिया है, इसका जो चेंज करने जो वेपन स्विच है। देखिए देखिए कितना स्लो कर दिया, कितना स्लो कर दिया। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सजेशन दिया कि फायर करके देखिए, देखिए फायर कितना कितना देर हो रहा है। देखिए पहले फास्ट नहीं चल रहा, देखिए मैं फायर कर रहा हूँ, मेरा फायर बटन पर गौर कर पाएंगे। देखिए तो ये प्रॉब्लम हो चुका है, आप इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, डिले आ चुका है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने एक बहुत बढ़िया मैक्रो फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि फिर से आप पहला वाला स्पीड पा सके। तो अभी देखिए, मैं एक वीडियो पे पिछले बार बोला कि बैठ के चेंज कीजिए, देखिए क्लिक कर रहा है। तो इससे थोड़ा सा तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी जो डीले है बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप चाहते तो फिर से ऐसा वाला बैठ के भी मैक्रो यूज़ कर सकते, पुराना वाला जो मैंने मैक्रो दिया था उसका डीले वाला, क्या बैठ के भी यूज़ कर सकते ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों अभी देखिए, मैं दिखा देता हूँ, बैटरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें डीले देना होगा। तो देखिए, इधर मैंने पहले से सेट करके रखा है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कट करके दिखा देता हूँ। पहले आपको टैप लिखना है, फिर हमने फायर बटन पे टच किया, और इसके बाद जो मेन मैक्रो है दिखाने वाला हूँ, जिसपे कि आपको फ़ायदा होगा। फिर हमारे जो डीले है अभी तो 100 करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर टैप देखे हमारा जो है कोई कोई पे स्विच पे हमने दबा दिया। तो अभी देखिए, ये वाला मैक्रो तो हो चुका है, अभी आप तो देख पाएंगे। देखिए लेकिन देखिए, खड़ा होकर तो फिर भी डिले हो रहा है, बैठ के फिर भी थोड़ा क्विक हम मार सकते हैं। देखिए ज़्यादा क्विक कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, देखिए। तो इतना था तो डिले देना पड़ रहा है, लेकिन अभी जो है हम मैक्रो यूज़ करेंगे वो इमोट वाला मैक्रो यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, पहले से अलग, क्योंकि पहले का जो ग्लिच था वो गरीना वाला ने हटा दिया है। तो सेम इमोट वाला मैक्रो काम नहीं करेगा, लेकिन आज जो काम करेगा ये वाला मैक्रो काम करेगा। आप देखिए देख सकते कितना बढ़िया फास्ट मार रहा है। तो ये रहा हमारा आज का जो मैक्रो इस चीज़ पे होने वाला है। देखिए तो देखिए, तो यही मैक्रो जो है हम मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, ये वाला मैक्रो को आप जितना रनिंग उंगली दबाएंगे उतना रनिंग होगा, लेकिन ज़्यादा आप रनिंग आप दबाओगे उंगली तो फेंक डैमेज आएगा। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप लोग डिले रखना आपका फायर में, तो इसका जो फेंक डैमेज है वो नहीं होगा। तो पहले इस बार मैक्रो को दिखाता हूँ, फिर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में छोटा सा क्लिप दिखा दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसको मैक्रो के लिए दो मैक्रो की बटन की हमारा ज़रूरत होगा। तो पहला वाला हमने ई पे बिठाया है, तो इस पर देखिए इसे सिंपल सा है, फिर से मैं काट के दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। आपको लिखना होता है टैप, फिर आपको देना होता है फायर बटन पर टच, ठीक है, फिर लेफ्ट राइट क्लिक, फिर आपको इधर देना होगा वेट। इधर इसका जो डीले है मैंने 20 रख दिया, इससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर से टैप, और इधर हम आ जाएंगे रीलोड वाला ऑप्शन पे, लेफ्ट और राइट क्लिक हो गया। तो अभी हम चलेंगे दूसरे बटन पे, जो कि दोनों बटन की ज़रूरत है। एक ही बटन में पूरा मैक्रो दे देंगे तो ब्लूस्टैक 5 पे काम नहीं करेगा। ये इसका अपडेट के बाद कोई ग्लीच है या प्रॉब्लम पता नहीं। तो चले जाते हैं दूसरे बटन पर। तो इधर मैंने क्या किया, देखिए इधर जो है मैंने इमोट वाला पोजिशन सेट किया। तो पहले वाला मैंने टैप दिया, फिर हमने इधर जो इमोट का जो स्लॉट है इसको ओपन करने के लिए इधर जो क्लिक दिया, पोजीशन आ गया। फिर हमारा जो वेट है इसको मैंने 10 दे सकता हूँ या फिर 15 आपके हिसाब से, अटक गया तो ज़्यादा देंगे, कमा कमा के आप देख सकते हैं कितना कम पे आप हो सकते, जितना कम पे होगा आपका फ़ायदा। और राइट साइड का कोई इमोट सेलेक्ट करना, मैं इधर वाला पोजिशन सेट कर लिया, तो कोई भी इमोट आ जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस मैक्रो वर्क करना चाहिए। तो हो गया सिंपली। तो अभी देखिए, अभी मैं फायर करूंगा, पहले ई फिर एक दबाऊंगा, और मैं जितना रनिंग इसको दबाऊंगा उतना रनिंग काम करेगा, लेकिन ज़्यादा रनिंग दबाने पर फेंक डैमेज आएगा। तो आप लोग उसको समझ लेना, उस हिसाब से खेलना। अभी देखिए, तो देखिए गोली ख़त्म भी हो गया, फिर से ये वाला ट्राई करता हूँ। देख सकती है तूफान की बेग से, तूफान की स्पीड से हमारा जो गोली ख़त्म हो रहा है। तो अभी ज़्यादा गोली वाला गन लेके आपको दिखाता हूँ रनिंग फायर करके, हमको तो स्नाइपर चाहिए, सॉरी। तो अभी देखिए ये वाला को हम कितना रनिंग हम मारेंगे,
देख सकते हैं कितना रनिंग फटाफट खत्म हो गया। तो अभी एक चीज हम दिखाएंगे ट्रेनिंग ग्राउंड पे, देख सकते हैं, देखा मर गया। इसका मतलब आपका अगर जो रिलोड है ना उसको अगर आप सही रखोगे, देखिए मर गया। तो आपका जो डिले है सही रखोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और आप अपना कंफर्ट के हिसाब से दो बटन रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं ऐसा बटन रखा मेरे को मूवमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। तो जैसे मैं अगर एक से जगह इधर दूसरा भी बटन रखा, जैसे कि मैंने एक स्मॉल बटन को रख दिया, तो अभी देखिए अभी मेरे को मूवमेंट करने में फ़ायदा हुआ क्योंकि मैंने माउस का जो बटन है मैंने चेंज कर दिया। तो देखिए इसको मार दिया, पीछे से मेरे को मार दिया। इसका मतलब जो इसका डैमेज है भाई, इसका जो डैमेज है एकदम सही काम कर रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं। इसका जो डैमेज है बिल्कुल आपका फेक डैमेज देखकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस ज़्यादा रनिंग मत यूज़ करना मैक्रो को, ठीक है। तो देखिए फिर से फेक डैमेज आ गया, मैंने पूरा रनिंग मारा। अब तो यही मैं बोल रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा स्लो मारेंगे तो कोई फेक डैमेज नहीं आएगा। तो अभी देखिए मैं आपको तो रनिंग मार के फिर से दिखाता हूँ। तो आपको इतना रनिंग नहीं मारना, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिले देना होगा। मनी ऐसे मारे, तो इतना सा आपको डीला देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।